नमस्कार, तेज हरियाणा पर सुबह के घग्गर नदी के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो करें। लगातार आज भी राहत की बात है और अब लगातार बरसात से गुला चिका हेड में चाहे पानी जरूर बढ़ा हो लेकिन ओटू हेड पर अब घग्गर नदी बिल्कुल कंट्रोल में है। सिरसा में जलस्तर घटने से ग्रामीण और प्रशासन ने बिल्कुल राहत की सांस ली है, जहां पर 20,000 क्यूसिक से नीचे पानी आज है वो आ जाएगा घग्गर का। घग्गर में आए 44,000 क्यूसिक पानी ने जिला में जो तबाही मचा दी थी, अब वह पानी लगातार घट रहा है। गुरुवार को करीब 4,000 क्यूसिक पानी ओटू हेड पर घटा, अब केवल 24,000 क्यूसिक पानी चल रहा है। अब आपको सुबह की करीब 7:30 बजे की रिपोर्ट आपको बताता हूं कि फिलहाल घग्गर में पानी की जो स्थिति है वो क्या है। इस वक्त गुला में 42,046 क्यूसिक पानी है, जो बड़ा है पहले की तुलना में। खनौरी में 11,300 है, चांदपुरा में 12,500 है, रंगोई में 26,000 है, सरदूलगढ़ में 25,240 है, ओटू में सिर्फ 21,576 और राजस्थान की तरफ सिर्फ 18,400 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो अब से 2-3 दिन पहले गोला चिका में सिर्फ 39,000 और इसके आसपास जो वहां पर पानी की रिपोर्ट थी, और फिर 37,000 भी हो गया था। और अब यही पानी है वो बढ़कर, जो कि कल 41 था, आज वो बढ़कर 42,000 क्यूसिक हो गया है। यानी कि जो पीछे बारिश हुई उसका थोड़ा सा असर है, वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा है, लेकिन चिंता की इसमें कोई भी बात नहीं है। सिरसा में बाढ़ के लिहाज से अब राहत की खबर है, मगर अंबाला, चंडीगढ़, हिमाचल में हो रही तेज बरसात के कारण पानी बढ़ना शुरू हो गया है। घग्गर के गोलाचिका हेड पर 2 दिन से लगातार पानी बढ़ रहा है, एक बार फिर से 42,000 क्यूसिक पानी पहुंच गया है। गोलाचिका हेड पर अब 55,000 क्यूसिक पानी बढ़ना शुरू हो जाता है तो सिरसा में बाढ़ का खतरा होने लगता है। इस बार गोलाचिका में 84,000 क्यूसिक पानी तक पहुंच गया था, हेड ओवरगेज हो गया था, मारकंडा नदी का पानी भी घग्गर में आ गया और इसलिए अब जिला प्रशासन की निगाहें पीछे हो रही बरसात के ऊपर भी जमी हुई है। 2010 के बाद करीब 13 साल बाद सिरसा में आई घग्गर की बाढ़ से घग्गर के साथ लगते गांव में भारी नुकसान हुआ है। करीब 45 गांवों की 20,000 एकड़ भूमि में जो खड़ी फसल थी वो डूबी है। अब क्षतिपूर्ति पोर्टल पर शुरू कर रखा है सरकार ने, और उसमें बाढ़ पीड़ितों को अपना नुकसान दर्ज करवाना होगा। वहीं पर घग्गर नदी बाढ़ में बर्बाद, खेती को बहाल करने के लिए पानी कम होते ही किसान जमीन संभाल रहे हैं। मत्तड़, लहंगे वाला, रंगा, चक, थिराज के करीब 300 एकड़ में अधिक रकम में धान रुपाई की तैयारी शुरू हो गई है। किसान सरकार से तत्काल गिरदावरी की मांग उठा रहे हैं ताकि उन्हें मुआवजा समय से मिल सके। तो अब सिरसा में हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, नदी बिल्कुल नीचे और खेतों का जो जल भराव था वो अब बिल्कुल मुख्य धारा में आना शुरू हो गया है। और वहीं पर 5 दिन में ओटू हेड से कम हो गया है 20,000 क्यूसिक पानी, जहां पर हरियाणा के ओटू हेड से राजस्थान की तरफ रिलीज किया जाने वाला पानी लगातार कम हो रहा है। जलस्तर कम होने के बाद हनुमानगढ़ जिला रेड अलर्ट मोड से बाहर आ गया है। गुरुवार सुबह 8 बजे ओटू हेड से 20,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा था, ओटू हेड से रिलीज किए जा रहे 5 दिनों में करीब 20,000 क्यूसिक पानी कम हो गया है और 5 दिन में 1150 से अधिक पानी घग्गर नाली बेड में कम हो चुका है। जलस्तर कम होने पर प्रशासन के साथ घग्गर भाव क्षेत्रों के नागरिकों ने राहत की सांस ली है। बाढ़ का खतरा टालने पर प्रशासन की ओर से GDC नाली बेल्ट पर मुस्तैद अधिकारी कर्मचारियों को भी गुरुवार को रिलीव कर दिया गया। NDRF की 4 टीमें भी वापस भेज दी गई हैं और इसके साथ ही SDF और NDF की शेष टीमों को भी 2 दिन तक रिलीव करने की बात है वो कही गई है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर में पैदा हुए बाढ़ के खतरे को दूर करने के लिए RD 629 पर इंदिरा गांधी नहर में कट निकालकर खोलेगी इंटैक्ट स्ट्रक्चर के सभी 10 गेट भी बंद कर दिए। सभी 10 गेटों को खोलकर पानी का इंदिरा गांधी नहर में डाला गया था। उधर अभी भी कुछ ग्राम पंचायतों के स्कूल बंद हैं, लेकिन ये स्कूल वे हैं जो राहत शिविर खोले गए थे, जिन स्कूलों में जाने वाले रास्ते पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। और बाढ़ का खतरा टालने के बाद गुरुवार को कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि फिर भी पीछे से बारिश होने के कारण सतर्कता लगातार बढ़ती जाएगी, भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा न हो। अगर पैदा हो उसे निपटने के लिए इससे बेहतर तैयारी, उसके लिए सोच समझ कर रणनीति बनाकर उस पर हम कार्रवाई करेंगे।
तो वहीं पर अनूपगढ़ में घग्गर नदी के पानी से तहसील क्षेत्र के गांव पुराना बिंजोर की तीन ओर से घेर लिया है, जिसमें गांव पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। एक ओर जहां प्रशासन ग्रामीणों के जान माल की सुरक्षा के लिए प्रयास करता स्थिति नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं पर ग्रामीण भी अपने परिवार व फसलें गांव को डूबने से बचाने के लिए अपने स्तर पर बांध मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के बाद अब अनूपगढ़ में पुराना बंजोर गांव में घग्गर बाढ़ का पानी घुसने का डर है। घग्गर नदी के पानी के कारण कमजोर तटबंधों को अब मजबूत है वो किया जा रहा है। फिलहाल आज बिल्कुल राहत देने वाली खबर है और बिल्कुल अब पानी है वो कम हो गया है। और सिरसा जिले में सुबह से छाए बादल शाम को बरसने के कारण बीती जो शाम उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। लगभग 40 मिनट तक हुई 30 mm बारिश के बाद शहर जलमग्न हो गए हैं। और वहीं पर सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो रानिया में 56 mm हुई है, लेकिन ओटू हेड पर बहुत कम जो बारिश है वो दर्ज की गई है। तो ये ओटू हेड की स्थिति हम आपको बता रहे थे। और इसके साथ ही गांव मत्तड़, लहंगेवाला, रंगा, मुसहवाला, पनिहारी, बुर्ज, करमगढ़, फरबाई, किराड़कोट, बूढ़ा भाना, मल्लेवाला, निजडेला कला, सहारनी, निजडेला खुर्द आदि के पास गुजरने वाली घग्गर नदी यहाँ तटवर्ती इलाके के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं आप पीछे पहाड़ी क्षेत्र में अधिक बरसात होती है तो कई बार घग्गर नदी में ना आई बाढ़ विकराल रूप है वो धारण कर तटवर्ती इलाकों में किसानों में ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। घग्गर नदी के तटवर्ती इलाकों के गांव बुर्ज करमगढ़ के सरपंच मनोज मेहता सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि इस बार भी ऐसा हुआ है कि घग्गर नदी में आई बाढ़ के दौरान जगह जगह तटबंध टूटने से हरियाणा पंजाब को भारी नुकसान किया है। इस दौरान मुसहवाला, पनिहारी आदि गाँव के घग्गर नदी के तटबंध टूटने की वजह से गाँव बुर्ज करमगढ़, फरमाई, निजरेला कलां, विभिन्न गाँव के आसपास खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से नुकसान हो गया है और करीब इसमें हजारों एकड़ जो फसल बर्बाद हुई है। जल्द ही सरकार से किसान है वो गिरदावरी की जो मांग है वो कर रहे हैं, लेकिन अब घग्गर से किसी तरीके का कोई खतरा बरकरार नहीं है। फिलहाल आप सबके लिए कोई चिंताजनक कोई बात नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से हाँ गुला चिक्का में पानी का स्तर जरूर बढ़ा है। और उस पानी का जो फ्लो है वो कब तक सिरसा में ओटू में पहुंचता है ये देखने वाली बात है, और किस लेवल पर पहुंचता है। ऐसे में अब ओटू हेड के कुछ गेट बंद कर दिए गए ताकि वहां पर पानी स्टोरेज रखा जा सके और उनको खरीफ चैनलों में पानी को डाइवर्ट किया जा सके, क्योंकि यहां से करीब 10 खरीफ चैनल निकलते हैं तो सब में पानी छोड़ दिया गया ताकि एक तरफ ओटू से घग्गर की वजह से जल भराव की स्थिति से फंसने बर्बाद थी, लेकिन कुछ ऐसे इलाके शेरावाली ऐसे कुछ साइफन है जहाँ पर खरीफ चैनलों की वजह से फसलें बर्बाद हो रही थी। ऐसे में अब ओटू पर आ रहे लगातार फोन कॉल्स के जरिए जो किसानों की शिकायत थी उसको दूर करते हुए तमाम जितने भी खरीफ चैनल हैं उनके अंदर पानी छोड़ दिया गया है। तो आप अपना रखिए ख्याल। तेज हरियाणा आपको पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहा है। आपको हमारी घग्गर की रिपोर्टिंग कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।